दोस्तों, अगर आप बीए बीएससी बीकॉम या इंटरमीडिएट का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आज के स्टूडियो में सारी डिटेल हम इस वीडियो में बताएंगे। कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद स्टूडेंट कॉर्नर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉगिन और रिन्यूअल लॉगिन। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप न्यू छात्र हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। एससी एसटी जनरल कैटेगरी के फर्स्ट ऑप्शन से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी की कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर सेकंड स्टेप से अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। अल्पसंख्यक के छात्र यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन दिया है, यहाँ से अपने रजिस्ट्रेशन करेंगे। चाहे जिस भी क्लास के छात्र हों तो यहाँ पर अपने अपने स्टेप से अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। हाई स्कूल नाइन्थ के लिए प्रीमेट्रिक से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। देन यहाँ पर इंटरमीडिएट वाले छात्र इंटरमीडिएट से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। पोस्ट मेट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट वाले छात्र, जैसे आपके बी ए बी एस सी बी कॉम के छात्र हैं तो वहाँ पर अदर देन इंटरमीडिएट से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसी प्रकार से ओबीसी के यदि छात्र हैं तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसमें आपको अदर स्टेट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अदर स्टेट के जो छात्र हैं वह ओबीसी के यहाँ पर फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं। इसी में यहाँ पर अल्पसंख्यक में भी वह छात्र यहाँ पर फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते। यहाँ पर नाइन्थ हाई स्कूल इंटरमीडिएट या बी ए बी एस सी बी कॉम के छात्र ही फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर यदि हम बात करेंगे कि आप ओ बी सी की कैटेगरी से इंटरमीडिएट का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ नोटिफिकेशन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आपको पासवर्ड, पासवर्ड आपका 6 से 12 अंक का होना चाहिए, जिसमें आपको एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और इसमें अक्षर और स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए। तीनों चीज़ों को मिलाकर आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड, एक स्ट्रांग पासवर्ड 6 से 12 अंक का बना लेना है। और यहाँ पर आपको डिटेल जो फिलअप करना है वो सही सही फिलअप करना है। देन यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में ही फिलअप करना है। जहाँ जहाँ पर स्टार लगा है उसको फिल करना आपको मैंडेटरी बताया गया है। यहाँ पर आप देख लेंगे, जिस चीज बॉक्स में स्टार रहेगा उसको आपको फिलअप करना अनिवार्य रहेगा। आप फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करना, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ाई कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट का आपको यहाँ पर चयन कर लेना है। इसके बाद आपको उस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कॉलेज होंगे, सारे डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज यहाँ पर शो होंगे। आप जिस भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उस कॉलेज को आपको यहाँ से चयन कर लेना है। आपके डिस्ट्रिक्ट जैसे आप सेलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर शो हो जाएंगे, सारे स्कूल यहाँ पर शो हो जाएंगे उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको अपने स्कूल का चयन कर लेना है, सारे स्कूल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देन यहाँ पर आपको वर्ग जात समूह का चयन करना है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको धर्म अपना सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको छात्र का पूरा नाम कैपिटल लेटर में फिलअप कर लेना है। देन यहाँ पर आपको आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिलअप करना है, जो भी आपका आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आएगा वो डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको हाई स्कूल किस वर्ष आपने उत्तीर्ण किया है उस वर्ष को यहाँ से आपको चयन कर लेना है। 2023 में किया है, 2022 में किया है, 2019 में किया है, आप यहाँ से उस सत्र को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर आपको बोर्ड का, आपका स्कूल जो हाई स्कूल का बोर्ड है वो कौन सा बोर्ड था, यूपी बोर्ड था, सीबीएसई बोर्ड था, वो अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर अपने हाई स्कूल का रोल नंबर इस बॉक्स में आपको फिलअप कर लेना है। फर्स्ट ऑप्शन जो फर्स्ट कॉलम रहेगा इसको छोड़ देना है, सेकेंड स्टेप में आपको रोल नंबर फिलअप करना है। देन यहाँ पर आपको पासवर्ड एक बना लेना है, जैसा पासवर्ड हमने बताया था उस प्रकार से आपको यहाँ पर पासवर्ड बना लेना है। देन यहाँ पर आपको कन्फर्म पासवर्ड डाल लेना है, जो आप पहले बनाएंगे उसको डाल लेना है। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड डालकर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम सारी डिटेल फिलअप कर लेते हैं, जो भी डिटेल रहेंगी उसको फिलअप करने के बाद यहाँ पर हमने सारी डिटेल फिलअप कर ली। देन यहाँ पर हम जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो आपका नंबर रजिस्ट्रेशन में डाला था उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी फिलअप करोगे। देन यहाँ पर आप कैप्चा कोड डालकर सबमिट ओटीपी प्रोसीड रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हम ओटीपी फिलअप कर लेते हैं। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद यहाँ पर सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा है इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको कॉपी करके रख लेना है, जो आपने पासवर्ड बनाया है उसको भी रख लेना है, या प्रिंट करना चाहें तो इस स्लिप को भी आपको प्रिंट करके यहाँ पर आपको होम पे क्लिक कर देना है। जैसे आप होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे दोबारा से आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आपको स्टूडेंट का ऑप्शन दोबारा से देखने को मिल रहा है, सिंपली आपको स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको
फिर से लॉगिन वाले ऑप्शन में जाना है। अब यहाँ से अपना फॉर्म लॉगिन करना होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन, इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन और अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन। इंटरमीडिएट के छात्र हो तो आपको इंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रिसीव हुआ उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना जो भी आपने रजिस्ट्रेशन में डाला था, और यहाँ पर आपने जो पासवर्ड बनाया था पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर सबमिट पे क्लिक करना। तो यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल लेते हैं। देन यहाँ पर हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट है, यहाँ से आप सेल्फ भी प्रिंट कर सकते हैं। यदि आपने पहले प्रिंट नहीं किया था यहाँ से आपको प्रिंट कर लेना है, या फिर यहाँ पर आपको प्रिंट कर चुके हैं तो प्रिंट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आपको डिजी लॉकर सत्यापन करना होगा, जो डिजी लॉकर सभी के लिए मैंडेटरी है। बिना डिजी लॉकर के आप आगे फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिजी लॉकर सत्यापन करने के लिए सिंपली आपको डिजी लॉकर सत्यापन पर ही क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, क्लिक हेयर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो गया जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। देन आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर भी शो हो जाएगा जो भी आपका मोबाइल नंबर इसमें आपने रजिस्ट्रेशन में डाला था। देन यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। देन यहाँ पर आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना। तो यहाँ पर जैसे ही कैप्चा कोड फिलअप करके जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे जो आपका रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी डालना, देन यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है, टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, फिर से यहाँ पर सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो ये टॉपअप ओपन हो जाएगा, इसको आपको ओके कर देना है। जैसे आप इसको ओके करोगे तो ये आपको डिजी लॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा। आपको यहाँ पर साइनअप करने के लिए बोला है, यदि आपका यहाँ पर पहले से साइनिंग करने के लिए बोला, जो यदि आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर आपको साइनअप करना रहेगा, साइनिंग करना रहेगा। अगर आप यहाँ पर पुराने यूजर हैं तो आपको साइनिंग करना है, न्यू यूजर हैं तो यहाँ पर आपको साइनअप करना रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो पहले से अकाउंट बना है तो यहाँ पर आपको आधार से भी लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हैं। आधार पे क्लिक करोगे तो आधार नंबर पिन डालना रहेगा, उसके बाद साइनिंग करोगे। तो अगर आप यहाँ पर न्यू यूजर हैं तो आपको साइनअप पे क्लिक करना है। अगर आपको नहीं पता है कि आपका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है तो आपको डायरेक्ट साइनअप पे ही क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको आगे पता लग जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिलअप कर लेना, जो भी आपका आधार नंबर रहेगा। आधार नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना। तो यहाँ पर हम आधार नंबर फिलअप कर लेते हैं। आधार नंबर फिलअप करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आपको इस बॉक्स में फिलअप कर लेना है। देन यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर पेज लोड होगा। लोड होने के बाद यहाँ पर आपके सामने पिन जनरेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर यहाँ पर आपका पहले से रजिस्टर्ड होगा तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड बताएगा, और यहाँ पर आपको पिन डालने का ऑप्शन आएगा। पिन क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पर पिन डालने का ऑप्शन आएगा। अगर आप न्यू यूजर हो तो यहाँ पर आपको पिन क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप मर्जी चाहे जो भी पिन डाल सकते हैं। अगर यहाँ पर आप पुराने यूजर होंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड बताएगा, देन यहाँ पर आपको पिन डालने का ऑप्शन आएगा, तो आपको पुराना पिन डालना है। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आप अपने हिसाब से पिन बनाकर डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद जैसे आप यहाँ पर अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये इस प्रकार से इंटरफेस आ रहा है। सभी छात्र जो भी छात्र यहाँ पर अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं सभी को इनवैलिड डिजी लॉकर रिस्पॉन्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। कोई भी छात्र यहां से अपना डिजी लॉकर वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहा है, काफ़ी छात्र परेशान हैं अपना डिजी लॉकर सत्यापन करने का। ये हमारा कल का फॉर्म है, हमने कल इसको अप्लाई किया था। इसके बाद हमने कई बार इसको ट्राई किया लेकिन डिजी लॉकर वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। इससे पहले तो छात्र वेरिफिकेशन कर लेते थे, आज भी हमने सुबह टाइम ट्राई किया, 14 दिसंबर देख सकते हैं, आज 14 दिसंबर 2023 को हमने इसको ट्राई किया। यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4:05 पर इसे हम वेरीफाई कर रहे हैं 14 दिसंबर को। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपको डेट शो हो रही है 4:05 14 दिसंबर 2023-24, यहाँ पर 14/11/2023 देखने को मिल रहा है। सिंपली जैसे हम यहाँ पर अलाउ करते हैं तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमने सुबह 4 बजे ट्राई किया तब भी यहाँ पर आपको इनवैलिड डिजी लॉकर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, जबकि 4 बजे यहाँ पर ट्रैफिक कम होता तब तो हो जाना चाहिए। इससे पहले जब भी हम कर रहे थे सुबह सुबह
4 से 5 के बीच में या 6 तक का हम भी कर लेते थे तो यहाँ पर आपका डिजी लॉकर सत्यापन हो जाता था। लेकिन अब इतना सर्वर डाउन चल रहा है कि यहाँ पर आपका डिजी लॉकर सत्यापन नहीं हो रहा है किसी भी छात्र का। बहुत छात्र परेशान है, अपना डिजी लॉकर सत्यापन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर यही सोल्यूशन है कि आप यहाँ पर वेट करिए 2-3 दिन, तो इसके बाद यहाँ पर कुछ अपडेट किया जाएगा, तब आप यहाँ से अपना डिजी लॉकर सत्यापन करना, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका सत्यापन हो जाएगा। जो ये प्रॉब्लम आ रही है इसे भी सॉल्व कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा, टेक्निकल इशू है जिस कारण से आपका यहाँ पर इनवैलिड डिजी लॉकर रिस्पॉन्स बता रहा है। डिजी लॉकर की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है, इतना सर्वर लोड होने के कारण यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर आप वीडियो को अंत तक देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जब भी यहाँ पर अपडेट किया जाएगा तो हम वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे कि यहाँ पर आपका डिजी लॉकर सत्यापन होना स्टार्ट हो गया है, तब आप अपना डिजी लॉकर सत्यापन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।